ठीक है, अब शेर जाग गया है तो अब सियार कहाँ घुसे हैं मालूम है? उनके रगों में जो खून बह रहा है उसमें संस्कार कैसा है, ये इसका मैटर होता है। अभी सारी मुस्लिम कंट्रीज भी सपोर्ट कर रही हैं। इतिहास से सीख लीजिए, हमेशा इजराइल भारत के साथ रहा है। इजराइल के लोग जब अपनी त्यौहार मना रहे थे तो अचानक से उस पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 5,000 लगभग मिसाइल दाग दी गई, जिसमें कि लगभग 700 से लेकर 1,000 लोगों की अभी मौत हो गई है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। सोते हुए लोगों पर कभी वार नहीं करें, कायरतापूर्ण घटना है। ठीक है, अब शेर जाग गया है तो अब सियार कहाँ घुसे हैं मालूम है? कहाँ घुसे हैं? माद में घुस गए हैं। अब निकाल रहा है इजराइल, और निकाल के मारेगा। अच्छा, आतंकवादियों ने जो है वो हमले को भावनाओं से जोड़ दिया है और मुसलमानी देशों से मदद मांगी है, और लगातार कुछ मुसलमानी देश हैं जो कि मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ देखिए, देश मुसलमान हो इसका मैटर नहीं करता है। हाँ। वहाँ के उनके रगों में जो खून बह रहा है उसमें संस्कार कैसा है, ये इसका मैटर होता है। अच्छा, उनके संस्कार वो हैं, ठीक है। हाँ। और संस्कार जाने में अभी 200-400 साल लगेगा। अच्छा। हाँ, एज ए इंडियन जो है वी स्टैंड विद इज़राइल, पहली बात। और ये जो अटैक्स हुआ है हमास की तरफ से, ये प्री प्लान था, और अभी तो उसको लेबनान भी सपोर्ट कर रही है और काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ भी सपोर्ट कर रही हैं, तो ये डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। और जिस तरह से सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है, विमेन और चिल्ड्रन खासकर इन लोगों को मारा जा रहा है, हम लोगों ने देखा है वीडियोस में, तो ये तो बहुत इनह्यूमन है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है इस जंग के हालत में जो है कि इसराइल के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो वहाँ की आम जनता है, सब अपना डिफरेंसेस भुलाकर सब वहाँ के प्रधानमंत्री के पीछे ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत को भी इससे सीखने की ज़रूरत है, भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखने की ज़रूरत है और आम जनता को? ऐसा है, देखिए, भारत में विसंगति बहुत है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अभी पाकिस्तान की संसद में एक मैटर उठा था, बहुत गंभीर मैटर था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आपको आतंकवादी भेजने का, अपने आदमी भेजने का क्या ज़रूरत है, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। इतिहास से सीख लीजिए, इनके यहाँ खुद इतने देशद्रोही हैं कि उनको खाली पैसा फंडिंग भेजिए और ये अफसर में पूरा ये काम कर जाएंगे, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप पैसा भेजिए, फंडिंग भेजिए। हाँ, यहाँ जाति आधार पे इतनी विसंगति है, इतना भेदभाव है, इतना दुर्भावना है कि आप खाली मदद कीजिए। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है विदेश से आके लड़ने का, ये खुद लड़बड़ के मर जाएंगे, खुद गुलाम हो जाएंगे। लगातार कुछ मुसलमान देश हैं कि जो समर्थन कर रहे हैं, और बहुत सारे इस्लामिक देश में ऐसा हुआ है कि जश्न मनाया जा रहा है कि यहूदियों पर हमला किया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? नहीं, डेफिनेटली अगर जैसे जो प्रैक्टिकली जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। जो गाज़ा में पॉलिटिकल डिबेट हो रहा है वो अलग ही चीज़ है, ज्योग्राफिकली जो है वो आपस में ये अलग चीज़ है, ये बिना लड़ाई के भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन एक आतंकवादी जो है, जो कि जिनका कोई कहा जाता है कि कोई धर्म ही नहीं होता है, और वो लोग गुहार लगा रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज से, तो ये कोई बात ही नहीं है। अगर आप रिलीजन को देखेंगे, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि इंसान को मारो, बच्चों को मारो, महिलाओं को मारो, एक कहीं नहीं लिखा है। हाँ। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। ईरान का भी सपोर्ट आ रहा है, सुनने में आ रहा है। हाँ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ट्वीट किया है। हाँ। कि हम लोग इसराइल के सपोर्ट में हैं, क्योंकि ये अटैक जो है एक टेररिस्ट अटैक है। हाँ। ठीक है ना, कोई कंट्री का अटैक है। और इंडिया में जो चाहे ओपोजिशन वाले हों या जो रिलीजियस लोग हैं जो इसको धार्मिक रंग दे रहे हैं, तो ये उन लोगों को ये सोचना चाहिए पहले कि वो लोग कह रहे हैं कि पहले इसराइल वाले अटैक किए थे इसीलिए हम उसका बदला ले रहे हैं।
तो ये बदला वाला जो बात है ये पूरा का पूरा गलत है कि आप अटैक कर रहे हैं। आप कंट्री को तो एक तो बता नहीं रहे हैं कि हम वार पे जा रहे हैं, दूसरी बात डायरेक्ट अटैक कर दे रहे हैं, अटैक कर दे रहे हैं, बच्चे औरतों को उठा ले जा रहे हैं। तो ये तो पूरा का पूरा एकदम हैवानियत ही है। 50 साल बाद इसराइल में युद्ध की घोषणा हुई है और दुनिया लगभग दिखाई दे रही है कि दो गुटों में बढ़ती जा रही है इसमें, और पीएम मोदी का बयान आया है कि वो इसराइल के साथ हैं, हिंदुस्तान इसराइल के साथ हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे अगर आपका कोई पड़ोसी है या आपका कोई दूर का रिश्तेदार है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, तो क्या आप जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे? आप देख लीजिए, चाहे पहले भी गवर्नमेंट हो चाहे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हो, हमेशा इसराइल भारत के साथ रहा है। तो आज उनको भी जरूरत है हमारी, हम रहेंगे साथ में, उसमें करना क्या है। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि आतंकवादियों ने हमले को भावनाओं से जोड़ दिया है और मुस्लिम देशों से मदद मांगी है, और लगातार कुछ इस्लामिक देश आतंकवादियों के समर्थन कर रहे हैं और इसराइल का जो है कि विरोध कर रहे हैं। क्या देखिए, हम सिर्फ एक बात बोलेंगे कि देखिए, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। हाँ। अब उसको जबरदस्ती जोड़ा जाए तो उसमें कर ही क्या सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप मुस्लिमों से भी पूछेंगे ना तो 60-70% मुस्लिम जो ऐसे हैं जो खिलाफ होंगे एकदम, मतलब वो इसराइल के साथ खड़े दिखे मिलेंगे आपको। अब वो जो हैं, बाकी जो गंदकियां जिसको बोल सकते हैं, अब वो गंदकियां हैं तो फिर उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, लास्ट में हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि इस जंग के हालात में जो इसराइल के सारे पॉलिटिकल पार्टी और जनता एक साथ जुट हो गई है, एक साथ हो गई है और इसराइल के प्रधानमंत्री की ढाल बन के आई है, तो क्या भारत के पॉलिटिकल लीडर्स और आम जनता को भी ऐसे होने की ज़रूरत है? तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ सीखने की ज़रूरत है इसराइल से? देखिए, पहले ऐसा था कि जब होती थी कोई बातें, चाहे आप उस समय की बात कर लें जब अटल जी विपक्ष के नेता थे और उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, या फिर तबीयत ख़राब बोल सकते हैं, या फिर वो विपक्ष के नेता थे, फिर भी उनको भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। पहले ऐसी स्थितियां थीं, और मुझे जहां तक लगता है कि कुछ और समय बीत जाए, एक बार और दो बार बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर वापस से स्थितियाँ वैसे ही रहेंगी, वापस से पूरे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं सब एक साथ रखेंगे। मैं आपको बता दूं, 73 के युद्ध में इसराइल एक तरफ था और एक तरफ इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक और कतर, तुनिसिया, मोरक्को, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया को अकेले उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो आपको क्या लग रहा है, एक आतंकवादी संगठन उसे मिटा पाएगा? क्योंकि हमास का ये स्टेटमेंट आया है कि हम इसराइल को इस बार मिटा देंगे। बिल्कुल नहीं, इसराइल जो है बहुत पेशेंट है अभी समय, और उसका जो है परीक्षा लिया जा रहा है, पर वो इसीलिए एग्रेसिवली नहीं जा रहा है क्योंकि आज वो भी एग्रेसिवली जाएगा तो वो दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा। वो ये प्लान करके चल रहा है कि हमको मारना है तो सिर्फ आतंकवादियों को मारना है, हमको सिविलियंस पे नहीं मारना है, तो वो प्लान वाइज जो है अटैक कर रही है। और एक ये हमास कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ISI जैसे धीरे धीरे काफ़ी कंट्रोल में आया है, उसी तरह ये लोग भी कंट्रोल में आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ये लोग। इसराइल का भी स्टेटमेंट आया कि हमास को वो अब अगले 50 साल तक ऐसा उनका कोई नामो निशान नहीं दिखेगा, ऐसा इसराइल ने कहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमास को खत्म कर पाएंगे? खत्म कर पाएगा। उनका डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाके इन लोगों को जो है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ये बहुत बर्बरता से हुआ है, तो इसका जो है ये लोग जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे।